नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Redmi Note 4 मोबाइल, और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं अपना मोबाइल विदाउट FRP लॉक। यानी कि जब आप अपना फ़ोन रीसेट करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी लॉक देखने को नहीं मिलता है, और किसी भी गूगल अकाउंट से आप अपना फ़ोन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग करने के लिए, इसके पहले आपको दो तीन सेटिंग कर लेनी है रीसेट करने से पहले। तो आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे MIUI वर्जन है, इस पे आपको ऐसे करके क्लिक करना है। तीन चार बार आप क्लिक करेंगे, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे बैक कर देंगे तो डेवलपर ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे, एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आप, ये रहा डेवलपर ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, OEM अनलॉकिंग को आप ऑन कर देंगे, और इसके बाद स्क्रॉल करेंगे और USB डबिंग को ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और एक बार इसको क्लिक करके रिवोक कर देंगे। इससे क्या होता है कि अगर आपने कई कनेक्शंस कर रखे होते हैं तो यहाँ पे आपका रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो यहाँ पे आपको एक बार ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें कर लेनी है, इसके बाद आप बैक कर देंगे। और इसके बाद दोबारा से एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑल फाइल ऑन द मोबाइल फ़ोन, ये इसके अंदर आपका अकाउंट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फ़ोटो वगैरह सारे डिलीट हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर्मेट करना है SD कार्ड तो यहाँ पे आपका SD कार्ड भी फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। तो याद रखिएगा, आपका SD कार्ड भी फॉर्मेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको SD कार्ड अपना निकाल लेना है फॉर्मेट करने से पहले, अदरवाइज़ आपका जो SD कार्ड में डेटा वगैरह वो सब डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले SD कार्ड निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट करेंगे। इसके बाद रीसेट फ़ोन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपना बैकअप भी बना सकते हैं रीसेट करने से पहले, अदरवाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ओके कर देंगे और अपने फोन के स्टार्ट होने का वेट कर लेंगे। आपका फ़ोन यहाँ पे रीसेट हो गया है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली अपने फ़ोन को स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद एरो पे क्लिक कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने मोबाइल। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।